अगर आप भी न्यू YouTube चैनल क्रिएट किए हैं और आप जो है अपने चैनल का YouTube का जो एडवांस फीचर्स रहता है, एलिजिबिलिटी एडवांस फीचर्स जो रहता है, वो अगर डिसेबल हो चुका है, ओके, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है कि कैसे क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होता है, कितने दिन बाद आपको अप्लाई करना है। यूट्यूब पे अगर आप काम करोगे तो आपको सही से हर एक सेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना होगा। सो अगर आप जो है न्यू हैं, यूट्यूब के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, सो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जहां से आपको ये मालूम चलेगा कि यूट्यूब से आपको क्या सेटिंग करना है, कौन सा न्यू अपडेट जो है आ रहा है। सो अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर, न्यू अगर यूट्यूबर हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कि यूट्यूब पे कैसे काम किया जाता है, सो यूट्यूब पे आप काफी सारे ऐसे मिस्टेक कर दोगे जिससे कि आपके चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा, ना ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पे काम करने के लिए यूट्यूब का हर एक सिस्टम को आपको जानना होगा। सो देखो, अगर यहाँ पे अगर आप न्यू चैनल है आपका और आपके यूट्यूब का जो एडवांस फीचर्स है वो अगर डिसेबल हो गया है किसी कारण, जैसे आप जो है सेटिंग पे आओगे, सेटिंग से आप जो फीचर्स को ऑन करोगे, सो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा डिसेबल करके, एंड वहीं पे एक डेट भी मेंशन किया हुआ रहेगा, क्योंकि आपको वहां पे रीअप्लाई करना होता है। सो रीअप्लाई आप कब करते हैं, वहां पे आपको डेट जो है शो अप हो जाएगा कि इतना दिन बाद, इस डेट के बाद आपको अप्लाई करना है। ओके, अगर आप जो है यहाँ पे इस चीज को नहीं समझोगे और आप जो है अपने चैनल पे वो गलती कर देते हैं, काफी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं कि YouTube का जो एडवांस फीचर्स है उसे हमें कब ऑन करना चाहिए, और वो गलती कर देते हैं। गलती करने के बाद क्या करता है, यहाँ पे जो है YouTube की तरफ से जो मेल आता है या फिर वहां पे जो मैसेज रहता है उसे बार बार वो अप्लाई करने का कोशिश करता है। जैसे ही वो बार बार अप्लाई करता है, सो उसका चैनल जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, चैनल क्या होता है खत्म हो जाता है, बंद किया जाता है। सो अगर आप भी गलती करोगे तो आपका भी चैनल जो है बंद कर देगा। आपको भूल से भी रीअप्लाई उस वक्त नहीं करना है जिस वक्त का डेट ना हो। सो अगर आप अपने चैनल पे मोनेटाइज करना चाहते हैं, सही से काम करना चाहते हैं और वहां पे एलिजिबिलिटी का फीचर जो है वो आपके फोन पे डिसेबल हो गया है, रेड कलर करके देखने को मिला है, और वहां पे एक डेट मेंशन किया हुआ है कि इस डेट के बाद ही आपको अप्लाई करना है, लेकिन आप उस डेट को नहीं समझते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर से दूसरी सिस्टम से दूसरी तरीका लगा के इस फीचर्स को अप्लाई कर दूं यहाँ पे इस फीचर्स को ऑन करने के लिए। सो ये अगर आप गलती करोगे तो आपका चैनल कभी भी खत्म कर देगा यूट्यूब। ओके, सो आपको ये गलती भूल से भी नहीं करना है। रीअप्लाई आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो गलती कर चुके हैं, जो मिस्टेक हो चुका है, आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, वो जो डेट रहता है डेट के बाद। ऐसा नहीं कि डेट अभी है, ये है यहाँ पे जो डेट था उससे पहले ही मैं जो है बार बार अप्लाई करता हूँ। बार बार अगर आप अप्लाई करोगे यूट्यूब एक्शन लेगा और आपके चैनल को हवा में खत्म कर देगा। सो आपको ये भूल नहीं करना है, ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको अच्छे से काम करना है। सो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बता रहा था, काफी लोगों का डाउट था कि मेरा जो है यूट्यूब का जो एडवांस फीचर है वो डिसेबल हो गया है, क्या हमें रीअप्लाई करना चाहिए या नहीं। रीअप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा सेटिंग उन्हें आपको सही करना है, एंड उसके बाद आपको डेट जो वहां पे देखने को मिला है वो डेट आपको इंतजार करना है कि ये डेट, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 तारीख को अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा वो स्ट्राइक व्राइक जो कुछ भी है आप जो अप्लाई किए थे। सो आपको क्या करना है, 1 तारीख खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे 2 से 3 रोज बाद ही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आज डेट था आज खत्म हो गया उसके बाद मैं अप्लाई कर दूं, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आपको 24 से 48 घंटे का आपको वेट करना है, इतना दिन इंतजार किए, कुछ घंटा और भी इंतजार कर लो, उसके बाद अच्छे से सेटिंग ऑन करने का चैनल हिस्ट्री से या फिर फेस से आप जो है उस फीचर्स को इनेबल करा सकते हैं। अगर आप सही से इस तरह से काम करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से आप काम कर पाओगे और आप इन फ्यूचर में आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। सो गाइस, यूट्यूब का हर एक अपडेट एंड हर एक जानकारी एंड हर एक सिस्टम फीचर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना है।